नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे हिमालय की चर्चा कर रहे हैं। आज आपका यह जो सेशन है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, भारतीय भूगोल का, ये आपका सातवां लेक्चर है या फिर आठवां लेक्चर होगा हिमालय पर, या तीसरा या फिर चौथा पार्ट है। आप लोग ज़रूर देख लेंगे दोस्तों पिछली वीडियो, जिसने भी नहीं देखा है, क्योंकि तभी समझ में आएगा जब आप सारी वीडियो क्रम से देखेंगे। ठीक है, तो सारी वीडियो देखने के क्रम से अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देखिए आप उसे। दोस्तों, हम लोग हिमालय की चर्चा कर रहे थे। पहले हिमालय के पार्ट में हमने चर्चा किया हिमालय की उत्पत्ति, और दूसरे हिमालय के पार्ट में हमने देखा ट्रांस हिमालय के पूरा संरचना। ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों क्रम से हैं। जो काराकोरम है और लद्दाख है आपका, उसके बीच में श्योक नदी बहती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच में दोस्तों सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी के बाएं तट पर एग्जाम पूछा गया है लेह पाया जाता है। लेह एक शहर है जो कि लद्दाख का कैपिटल अब है, इसके पहले नहीं था। लेकिन 5 अगस्त 2019 से जब वो जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक यूटी बन जाता है, तो उसका दो ही जिले हैं, एक लेह है, एक कारगिल है। तो लेह दुनिया का नहीं, पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला भी है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जिला लेह है, याद रखेंगे लेह। ठीक है ना, इस चीज़ को हमने बहुत डिस्कस किया है पहले। आप विस्तार से अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। आज हम जो पढ़ने वाले हैं केवल और केवल इस वाले पार्ट की, हिमालय का तीन पार्ट है। कौन कौन सा? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, या और शिवालिक हिमालय या फिर पाद हिमालय। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। कल आपको बताया था गया था मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ही अलग होता है हमारा बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय किससे अलग होता है? तो बोलेंगे दोस्तों, जो पार हिमालय है या फिर ट्रांस हिमालय है, वह बृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, पूछा जाता है। और इसके दक्षिण में पड़ जाता है हमारा मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय, यानी कि सर्वोच्च हिमालय और मध्य हिमालय का जो अलग होता है, या दोनों जो अलग होते हैं, वो सचर जोन से अलग होते हैं। सचर जोन, इस चीज़ को लिख लेंगे कॉपी में, सचर जोन से। और इन दोनों का जो अलग होना है, वह होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इन दो, इससे यह दोनों अलग होते हैं। ये बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, बृहद हिमालय को हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है। किसको? बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय और आपका जो मध्य हिमालय है और आपका पाद हिमालय है, यानी शिवालिक हिमालय है, यही तीनों असल में यही तीनों हिमालय के ही पार्ट हैं। यही तीनों हिमालय के पार्ट हैं। मतलब हिमालय जो है हमारा दोस्तों, वो बिल्कुल धनुष की तरह बना हुआ है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपने सुना होगा, उत्तल और अवतल। तो कॉनकेव जो है वो बीच में उभरा हुआ है, मतलब कि इस कदर अगर बनाए तो इस कदर। तो हिमालय हमारा धनुष की तरफ है, धनुष की तरह। जब धनुष की तरह ऐसे बनेगा दोस्तों, तो बीच में जो पोर्शन होगा वो अधिक ऊंचा पे होगा। तो याद रखेंगे, इस वजह से जो हमारा बृहद हिमालय है, उसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ नेपाल में पड़ जाती हैं। किसमें? नेपाल में पड़ जाती हैं। अब ध्यान से आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिखते भी चलिए सारी चीज़ें। बृहद हिमालय का बहुत सारा नाम है। पहला हिमाद्री, दूसरा सर्वोच्च हिमालय, तीसरा बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, और हिमालय का सबसे ऊपरी पार्ट, मतलब कि हिमालय का सबसे बड़ा श्रेणी। इतने नामों से उसको जानते हैं, बृहद हिमालय, हिमाद्री और सर्वोच्च हिमालय। ये तो याद ही रखेंगे, बृहद हिमालय, हिमाद्री और सर्वोच्च हिमालय। जैसा हिमाद्री, इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे अनगिनत ग्लेशियर हैं।
जिनकी अभी सारी हम चर्चाएं करेंगे, आप लोग बस सुनते चलिए, लिखते चलिए। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है। पूरे हिमालय में देखेंगे तो 1, 2, 3 यानी कि बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और आपका यहाँ पर दोस्तों शिवालिक हिमालय के सबसे ऊपरी जो श्रेणी है उसे ही तो कह रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, सर्वोच्च हिमालय कह रहे हैं। इसको लिख लेंगे। इस हिमालय का यानी कि जो आपका बृहद हिमालय है, इस हिमालय का आंतरिक भाग, अंदर का भाग, किसी न किसी चट्टान का तो बना होगा ना। जब हमने उत्पत्ति पूरा अच्छे तरीके से पढ़ रहा था उस समय हम लोग देखे थे कि इधर वाले पार्ट को अगर यह वाला पार्ट गायब कर दें, क्योंकि यह तो था नहीं रियल में, यह तो था नहीं, यह तो हमारा एक तरह से मलवा है, एक तरह से मलवा, यही तो दबा है, अवतलन हुआ है, तब जाके हिमालय की उत्पत्ति हुई है ना। अवतलन मतलब दबा है, प्रेशराइज हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ताप, दाब, टेम्परेचर और बहुत सारे चीज़ें, समझ रहे हैं, इसमें क्रिएटिविटी हुई है एक तरह से, और इसमें अवतलन पड़ा है, अवतलन हुआ है, अवतलन के कारण ही यह मोड़दार बना हुआ है। और कैसे यह सारी घटना घटी है, पहला अगर हिमालय का पार्ट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों का बना हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का बना है। हमने पढ़ा था आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, क्रम से पढ़ा था, 6 प्रकार की चट्टानें होती हैं, है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, आर्कियम क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ट्रांस मतलब कि आपका दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें, ये सब सारी हम पढ़े थे। आप लोग देखिए अभी आर्कियन क्रम की चट्टान से बना है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान में सर किस प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं, तो लिखेंगे ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, सिस्ट स्लिस्ट से भी बोलते हैं, स्लिस्ट चट्टान, यह सब के सब चट्टान हमारे इसी वाले पार्ट में पाए जाते हैं। यही हमारा पार्ट है जो कि बृहद हिमालय या फिर सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके शीर्ष पे जो इसका शीर्ष है, ये तो आंतरिक भाग हमने बताया ना, आंतरिक भाग इसका आपका आर्कियन क्रम की चट्टान का बना होता है, लेकिन इसका शीर्ष एवं पार्श्व जो उसके चारों तरफ की भाग है, ऐसे ऊंचा ऐसे उठा हुआ है जो, वह पार्श्व मतलब चारों तरफ की भाग और उसका शीर्ष, यह दोनों कायांतरिक औषादी शैलों से निर्मित हैं, कायांतरित औषादी शैलों से निर्मित हैं, और अंदर का भाग आर्कियन क्रम की चट्टान का बना हुआ है, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, यह सब याद रखेंगे, स्लिस्ट जिसे बोलते हैं तो याद रखेंगे। एक विशेष बात आपको बताते हैं दोस्तों, जो बार बार हमने आपको बताया है, इस हिमालय की जो आपका यह बृहद हिमालय है, इसका विस्तार 2500 किलोमीटर तक है। कहाँ तक? 2500 किलोमीटर तक है, यह चीज़ याद रखेंगे। क्या यानी कि विस्तार का मतलब क्या, चौड़ाई या फिर लंबाई? तो बोलेंगे सर यह लंबाई की बात हो रहा है, विस्तार का मतलब लंबाई की बात हो रही है, लंबाई। यह इधर तो चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे यह पूर्व में जाता है पश्चिम से, यह सकरा होता चला जाता है। जब यह सकरा होता है तो दब जाता है, दबने की वजह से इसकी सारी चोटियाँ ऊपर मतलब ऊँचाई मतलब आसमान को चूमने लगती, गगनचुंबी बोला जाता है। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, गगनचुंबी जो माउंटेन है वो हमको किस हिमालय के किस श्रेणी में देखने को मिलता है, तो आप बता देंगे बृहद हिमालय पे सर्वोच्च हिमालय की श्रेणी पर मिलता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। यह तो हो गया लंबाई 2500 किलोमीटर, लेकिन चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई का मतलब इस प्रकार, तो मैक्सिमम 25 किलोमीटर याद रखेंगे, 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 25 किलोमीटर चौड़ाई है और लंबाई 2500 किलोमीटर है, 25 और 2500, 2500 किलोमीटर लंबाई और 25 यानी 25 किलोमीटर चौड़ाई दोस्तों। अब एक बात याद रखेंगे, इसी हिमालय का जो आपका बृहद हिमालय है, वे सर्वोच्च हिमालय है, इसमें एवरेज में अगर एक एवरेज निकाला जाए चोटियों का, तो 6100 यानी कि 6100 मीटर एवरेजली ऊंचाई आएगा चोटियों का एवरेजली। एवरेज कितना होगा? 6100 मीटर होगा यहाँ की, इस पे जितनी चोटियाँ हैं उसकी ऊंचाई एवरेज में एक अनुपात अगर निकाला जाए तो इतना आएगा। वैसे है तो बहुत सारी ऊंची ऊंची, जैसा कि आपको पता है हमने बताया अभी, सबसे ऊंची चोटी इस पूरे भारत में या फिर इस पूरे हिमालय में अगर पूछा जाता है, भारत की नहीं हिमालय की बात करेगा तो क्या बताएंगे? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कि कितनी है इसकी ऊंचाई, तो बताएंगे दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है 8848.84 मीटर, ठीक है ना। जो 0.84 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है वो भी हाल ही में
तीन या चार महीने की बात है, जनवरी या फरवरी का न्यूज है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि नेपाल और चीन के कह लीजिए कि कुछ एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग थे, और उनको क्या बोला जाता है जो एवरेस्ट पे अपना हमेशा चढ़ाई करते हैं, रिकॉर्ड वगैरह बनाते रहते हैं, जिसको हिमालयी कुछ नाम से ऐसे जाना जाता है। तो उन्होंने ही इसका दूरी तय किया, लंबाई नीचे से ऊपर तक दूरी यानी कि ऊंचाई, तो पाया उन्होंने कि 84 सेंटीमीटर यानी कि 0.84 सेंटीमीटर ऊंचा है पहले की अपेक्षा। 8848.84 मीटर, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अब पूछा जाता है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा बताएंगे, K2 नहीं बताएंगे, K2 गाड़ी में आस्तिक, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है जो कि पूरे भारत का सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में पूरी तरीके से स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8497 मीटर है, ऐसे कुछ है ना, आप देख लेंगे। और जो K2 है 8611 मीटर है, यही तो है जो हमने बताया है। इसके बाद मकालू आ जाता है, देखिए क्रम से हम यहाँ पे बताए हैं दोस्तों, बंदरपूंछ, नंदा देवी, ये तो पड़ जाता है उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में, बंदरपूंछ और नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेपाल में आ जाता है अन्नपूर्णा धौलागिरी, अन्नपूर्णा धौलागिरी नेपाल में पड़ता है। इसका मैक्सिमम श्रेणियाँ, मैक्सिमम चोटियाँ इस श्रेणी की नेपाल में ही पड़ती हैं, कौन कौन सी, मसालू, इसके बाद एवरेस्ट, इसके बाद मकालू, इसके बाद जो कंचनजंगा है ये पूरी तरीके से सिक्किम में स्थित है, ये चीज़ याद रखेंगे, इस वजह से इसको कहा जाता है पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसके बाद नामचा बरवा भी इसी श्रेणी पर स्थित है दोस्तों, नामचा बरवा पे बहुत सारे चोटियां हैं जिसको हम लोग क्या कहते थे, बहुत सारे चोटियां हैं यहाँ पे इसी श्रेणी पर स्थित हैं दोस्तों, जैसे कि मिसिर, अबोर, मिसमी, डफला, यह सब चोटियाँ हैं जो कि इसके पार्ट नहीं हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हैं, वह है हमारे शिवालिक के पार्ट हैं, शिवालिक वाले हिमालय के पार्ट हैं, जब शिवालिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा, और इन दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा, जो आपका मध्य हिमालय है और आपका शिवालिक हिमालय, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, तो यह चीज़ याद रखेंगे जो कि नामचा बरवा तक है। इसके बाद दोस्तों इस श्रेणी का और कुछ खास बात, हाँ एक चीज़ और याद रखेंगे, इस श्रेणी पे जो ग्लेशियर हैं हमारे, ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर मतलब कि जो हमने पढ़ा था यहाँ पर सबसे बड़ी ग्लेशियर काराकोरम पे सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन, जो कि 7100 किलोमीटर है, सॉरी 71 किलोमीटर है उसकी लंबाई, कितनी, 71 किलोमीटर है, यही सबसे बड़ी ग्लेशियर है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि काराकोरम पे है, ये हमने पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में, आप देख लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जो आपका यह बृहद हिमालय है इस पर ग्लेशियरों की एवरेज में लंबाई कितनी है, तो बता देंगे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये तो एवरेजली लंबाई है इसका, एवरेज में अगर देखा जाए तो हिमालय की यानी कि बृहद हिमालय की जो चोटियों की ढाल है, बृहद हिमालय की जो चोटियों की ढाल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती रहती है, हमेशा हर कंडीशन में, हर मौसम में वहाँ पर बर्फबारियाँ होती रहती हैं, इस वजह से उसी वाले क्षेत्र में वहीं पर हमारा देखने को मिलता है 3 से 5 किलोमीटर लंबी ग्लेशियर्स, अधिकतम ग्लेशियर 3 से 5 किलोमीटर लंबाई के ही हैं, याद रखेंगे किस पर, इस वाले पोर्शन पर, हमारे हिमालय के बृहद हिमालय पर, ठीक है। लेकिन मिलाम आपने सुना होगा, मिलाम और गंगोत्री और जेमू तीन ग्लेशियर, सुनिए ध्यान से, मिलाम, गंगोत्री जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, गंगोत्री और जेमू, जेमू ग्लेशियर बहुत ही फेमस है, जेमू ग्लेशियर तो सिक्किम में पाया जाता है, सिक्किम में, इसी जगह से आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की सॉरी सिक्किम की कौन कौन सी दर्रे हैं, नाथुला और जलेपला, 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 यह दोनों दर्रे, जो नाथुला दर्रा है जेमू, सॉरी जो जलेपला दर्रा है जेमू ग्लेशियर से ही सटा हुआ है, और इससे हम कहाँ जाते हैं अभी सारी बातें बताते हैं, यह कनेक्टिविटी कहाँ पे होती है इसका, वैसे जो ल्हासा है, तिब्बत का ल्हासा, तिब्बत का जो ल्हासा कैपिटल है उसको कनेक्ट करता है दोस्तों जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा, याद रखेंगे जलेपला दर्रा इधर से निकलता है और तिब्बत का, यह पूरा पोर्शन तिब्बत का है, तिब्बत में ल्हासा, तिब्बत की राजधानी ल्हासा
को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इसकी अभी बताते हैं, इसको लिखिएगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, मिलाम गंगोत्री और जेमू, जो मिलाम है और गंगोत्री है ये तो हमारा पड़ जाता है उत्तराखंड वाले इलाके में, ठीक है। मिलाम और गंगोत्री उत्तराखंड वाले इलाके में है दोस्तों, जो कि इस हिमालय का यानी कि बृहद हिमालय का लगभग 20 किलोमीटर, ये तीनों की अगर बात करें तो तीनों की एवरेजली जो लंबाई है, एवरेज में जो लंबाई है 20 किलोमीटर है, तो यह तीनों इस बृहद हिमालय की सबसे लंबी ग्लेशियर हैं। याद रखेंगे, जो हमेशा पूछा जाता है मिलाम गंगोत्री जेमू, इस तरह पूछ लेगा, जेमू ग्लेशियर किस हिमालय के, हिमालय के किस श्रेणी की ग्लेशियर है, तो बताएंगे पहले तो बृहद हिमालय की है। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है, तो बोलेंगे जम्मू कश्मीर, सॉरी सिक्किम में पाया जाता है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में पाया जाता है। अगर आपसे आगे पूछ लिया जो जेमू ग्लेशियर है यहाँ से कौन सा दर्रा निकलता है, तो बोलेंगे जेलेपला दर्रा निकलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है गंगोत्री और मिलाम ग्लेशियर का लंबाई बताइए, तो बोलेंगे 20 किलोमीटर है एवरेज में। कहाँ पे है, तो बोलेंगे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में है। उत्तराखंड में ही तीन ऐसे पार्ट थे, तीन ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, जो नेपाल और भारत का विवादित क्षेत्र हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर हैं, बिल्कुल यहाँ पर। यह आपका नेपाल है पूरा, तो यहाँ पर है, बिल्कुल यहीं पर दोस्तों। यह बहुत पुराना विवादित क्षेत्र है। शारदा नदी आप जानते होंगे, जो कि इसी जगह से निकलती है नेपाल से और भारत में आती है, तो उसी शारदा नदी के आसपास के सारे क्षेत्र हैं वो विवादित हैं हमेशा। जैसे सरक्रीक है, सरक्रीक एक लयक है दोस्तों यहाँ पर, जो कि गुजरात का पोर्शन है, हम पढ़े हैं उसको, गुजरात में है एक लयक है, उस पर भारत का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान कहता है जैसे कि इस प्रकार से लयक है ऐसे, तो इस पर पूरा का पूरा भारत का अधिकार है, इस पर पूरा नहीं, भारत का आधा अधिकार है, भारत आधा ही लिया है, क्योंकि भारत का एक तरह से शांति प्रभाव या फिर शांति कह लीजिए कि शांति प्रिय देश है, ये हमेशा शांति प्रिय सोचता है कि वाद विवाद बहुत कम हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो भारत भी लाल आग बबूला हो जाता है, आपको पता है दोस्तों। इसका यह आपका क्या कौन सा ग्लेशियर है, सरक्रीक ग्लेशियर है। इस सरक्रीक ग्लेशियर के इस साइड तो भारत का पूरा अधिकार है, और इस साइड पाकिस्तान का अधिकार, लेकिन पाकिस्तान कहता है ये सरक्रीक पूरा का पूरा हमारा है, जैसे प्रकार से POK जो है वह पूरा का पूरा भारत का है लेकिन पाकिस्तान के क्षेत्र में है, उसी प्रकार सेम सरक्रीक, हम यह नहीं कहेंगे ये सरक्रीक पाकिस्तान का है, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको इस सरक्रीक पे विवाद है, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि गुजरात का सबसे लास्ट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग कुछ दर्रे पढ़ लेते हैं इसमें, जो बहुत फेमस है, जो आपसे पूछा जाता है यहाँ के दर्रे। वैसे जो बहुत सारे दर्रे हैं, अधिकतर दर्रे हमारे इस वाले पोर्शन में हैं, क्योंकि ये जो मध्य हिमालय है दोस्तों ये बहुत कटा छटा है, बहुत कटा छटा है, बहुत कटा छटा इस तरह से, ठीक है, ये जुड़े नहीं हैं, इस वजह से यहाँ पे दर्रे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ दर्रे आपको बताते हैं। सबसे पहला आप लिख लेंगे दोस्तों कश्मीर का, जम्मू कश्मीर से क्योंकि ये आए हुए हैं तो जम्मू कश्मीर में भी दर्रे होंगे, कौन कौन से, बुर्जिल और जोजिला, बुर्जिल और जोजिला, ये दोनों किसको कनेक्ट करते हैं, सारी बातें हम आपको बताएंगे, पहले लिखते चलिए। जम्मू कश्मीर की दो दर्रे बुर्जिल और जोजिला इसी हिमालय पर हैं, बृहद हिमालय पर हैं, बृहद हिमालय के हिस्सा हैं। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारालाचला और सिपकिला दर्रा, बारालाचला और सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, वह दोनों भी किसके पार्ट हैं, बृहद हिमालय के ही पार्ट हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के दोस्तों दो दर्रे हैं, तीन दर्रे फेमस हैं, नागला वैसे पूछता नहीं है लेकिन लिख लेंगे, नागला है, याद रखेंगे, नागला नीति, नागला नीति और लिपुलेख और एक है माना दर्रा, ठीक है ना, नागला नीति लिपुलेख माना। इसका बेहतरीन ट्रिक लाएंगे, जब ये हिमालय का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तो एक पार्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ लोकेशन बताएंगे हम आपको, जो कि जहाँ पर आपका ये दर्रे हैं सब, और एक ट्रिक भी बताएंगे आपको लोकेशन के साथ, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद दोस्तों इसी पर जैसे हो गया क्या, ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर का, यह हिमाचल प्रदेश का हो गया, यह हमारा उत्तराखंड का हो गया। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम आएगा। अब सिक्किम में कौन कौन से हैं, तो बताएंगे नाथुला और जेलेपला, यहाँ पे नागला था, यहाँ पे नाथुला होगा, नाथुला और जेलेपला,
जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो बताएंगे सिक्किम में स्थित है। इसी तरह थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो पड़ेगा हमारा क्या, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं बता सकता है कोई, बताइए भैया। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं जो कि इस शिवालिक सॉरी इस बियर हिमालय में पड़ जाते हैं, बताइए। अरुणाचल प्रदेश में भैया नाथुला तो हो गया ना, एक ही दर्रा है इस पे भैया अरुणाचल प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश में है इस बृहद हिमालय पर एक दर्रा है सिंगल दोस्तों, उसको हम देख लेंगे अगले वीडियो में, घबराइए मत, एक ही दर्रा है इसमें, थोड़ा सा दिमाग से स्किप किया है, हम बता देंगे आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट में। ये दर्रे हैं दोस्तों, इसको हम ट्रिक से भी आपको बता देते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बुरजिल और जोजिला दर्रा है, तो बुरजिल इसका एक बेहतरीन ट्रिक है, बुरजिल ने जोक पर हंसी, इस तरह से दो तीन बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद बारालाचला शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में है तो बोलेंगे रोहित बड़े सिप में बारालाचला शिव किला बड़े सिप में चाय पीता है। इसके बाद नागला नीति लिपुलेख माना, तो इसको आप सेपरेटली याद रखेंगे, इसका देखिए ट्रिक जो हेमा मालिनी से सिर्फ याद रखेंगे, हेमा मालिनी यूके गई यानी कि उत्तराखंड, हेमा मालिनी से माना ली से लिपुलेख नी से नीति दर्रा। इसके बाद नाथुला और जेलेपला सिक्किम पर हमें नाज है सिक्किम में है, ना से नाथुला जैसे जेलेपला। तो सो ये चीज़ें हैं, इतना आपकी रहीं जो कि आपको बताया गया, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जिस प्रकार से हमारा हिमालय पूरे विश्व का कह लीजिए कि दोस्तों एक लंबी श्रेणियों में आ जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पूरे विश्व का सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो बोलेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी पड़ जाता है दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी का नाम है दोस्तों एकांकागुआ, याद रखेंगे एकांकागुआ। इसके बाद दूसरी रॉकीज जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है मैकिनले, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाता है अफ्रीका में जो सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट किलीमंजारो। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों बता देंगे विंसन मासिफ है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम कोसियुस्को, ये पूछा जाता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रूस, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन पूरे विश्व का जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारा एवरेस्ट है, एवरेस्ट को तीन नाम से जाना जाता है, यांगलूप हमारा तिब्बत में बोला जाता है, यांगलुंग याप जो कि तिब्बत में बोला जाता है, और कंचनजंगा को सागरमाथा के नाम से नेपाल में बोला जाता है, सॉरी इस एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से बोला जाता है, और भारत में तो एवरेस्ट है ही, खैर कंचनजंगा निकल गया मुख से तो उसको माफ़ी दीजिएगा थोड़ा सा, बस इस तरह से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आपके। अब इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों पूरा ज्योग्राफी तो बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर होगा और आप अच्छे ढंग से किसी भी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद।